हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं हिडन बेस चैलेंज। और वो भी है ना, आप लोगों को पता ही होगा मैं किसके साथ में ये चैलेंज कर रही हूँ, मेरे भाई के साथ में, ये आयुष। आप लोगों को पता है ना, इसने मुझे ना कैसे ग्रैनी के हाउस में इसने मुझे किडनैप कर दिया था। इसलिए ना मैंने इसे ना चैलेंज लिया कि ना मैं तुझे हिडन बेस चैलेंज में हरा के ही रहूंगी। तू क्या हराएगी मुझे हिडन बेस चैलेंज में? देख, बारिश भी मेरा साथ दे रहा है, तेरे बोलते ही दुनिया काली हो गई है, मैं ही जीतने वाला। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तूने मेरे साथ इतना प्रैंक किया, तूने मेरे को जायंट एलेक्स बनके डराया था, इसलिए मैंने तेरा ये सब छुराया था। बच्चों वेट एंड वॉच, देखना तेरे साथ मैं ऐसे ऐसे प्रैंक करूंगी ना, तू भी सोचते रह जाएगा कि ये क्या हो गया तेरे साथ। तो गाइस ये देखो, पीछे हम लोगों ने यहाँ पे स्कोर बोर्ड तैयार कर दिया है। ये मेरा स्कोर बोर्ड है, ये दीदी का स्कोर बोर्ड है, ये मेरा रेड कलर का स्कोर बोर्ड है और आयुष का ब्लू कलर का स्कोर बोर्ड। तो पहले हम लोग अपना एक हिडन बेस बनाएंगे, फिर देखेंगे कि किसका अच्छा था, फिर दूसरा बनाएंगे, और तब तक मैं जीत जाऊंगा, मुझे अच्छे से पता है, तो हमें तीसरा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पीछे स्कोर लिखेंगे और दो जो ब्लू है वहाँ पे टू लिखेंगे, रेड वाले पे जीरो, और दीदी को इस कचरा पेटी के अंदर डाल देंगे। कुछ नहीं होगा इसके अंदर, तुम ही जाने वाले हो कचरे के। और सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ, ये हिडन बेस तो मैं ही जीतने वाली हूँ, तुम मेरा हिडन बेस ढूंढ ही नहीं पाओगे। ओके, तो वो सब देखा जाएगा, लेकिन अभी फटाफट से हम लोग अपना पहला हिडन बेस बनाते हैं। अब जाओ तुम अपने रेड वाले की तरफ और मैं अपने ब्लू वाले की तरफ। ये जमीन मेरा इलाका, वो जमीन तुम्हारा इलाका, बना अपना हिडन बेस। ओके बाय बाय। मैं तो ऐसा बेस बनाने वाली हूँ ना कि जिसको आयुष ढूंढ ही नहीं पाए। तो गाइस मैं अपना सीक्रेट बेस यहाँ ग्रीनरी में बनाऊंगी। ये काफी सिंपल तो होगी बट बहुत ज्यादा ओपी होने वाली है। तो इसके लिए हमें चाहिए माइनकार्ट, शावल, रेल, ग्रास ब्लॉक और स्टोन। तो ये स्टेयर को ऐसे डिग कर देंगे और नीचे वाले जो स्टेयर है उसमें हमें लगाना है रेल, उसके ऊपर माइनकार्ट और ग्रास लगा के मैंने इसमें शावल लगाना है। देख सकते हैं अंदर में हमें ये दिख रही है कार्ट, इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, जिससे हम लोग अंदर नहीं जा सके बट बाहर निकल सके। और सारे एरिया में मैं ये फ्लावर्स लगा देती हूँ जिससे ना आयुष को ऐसे थोड़ा लगे नहीं यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ कवर कर देती हूँ इस एरिया को। तो एग्जिट करने का पाथ तो बन गया, अब एंटर करने के लिए पाथ के लिए ये सारे स्टेयर्स को मैं थोड़ा तोड़ देती हूँ और अंदर में हम लोग का बेस बना लेते हैं। ये सब स्टोन वोन को तोड़ देते हैं और बेस को बनाते हैं। मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है और आप लोगों को भी काफी सीखने के लिए मिलेगा। ये इजी बट बहुत अच्छा वाला बेस है ये। तो ये देखो मैंने थोड़ा, और यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है ना कि यहाँ पे माइनकार्ट पड़ी है, ये रही, और वैसे ये बेस को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। तो इसमें से एंटर करेंगे ना तो ये ऐसे करके हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो ये बाहर का तो रास्ता हो गया। अभी एंटर के लिए यहाँ नीचे में मुझे रेल लगानी है, इसके ऊपर माइनकार्ट लगा देते हैं और ग्रास ब्लॉक से कवर कर देते हैं। ओके, मुझसे गलती हो गई है। तो ये जो ग्रास ब्लॉक है वो पीछे होना चाहिए, तो ये आगे वाले सारे ग्लास ब्लॉक को मैं तोड़ देती हूँ और यहाँ पे एक और थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं जिससे इसको पता ना चले, और इसके ऊपर ग्रास ब्लॉक से कवर करो, शावल लो और शावल से हटा दो। तो इस माइनकार्ट में एंटर करते हैं और अंदर जा सकते हैं क्या? ओह अभी भी मैं जा नहीं पा रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अंदर जाके देखते हैं, सबको तोड़ते हैं। वो मुझे लग रहा है ये ऊपर वाली जो भी डर्ट है इन सबको तोड़ना पड़ेगा, तो इनको तोड़ देती हूँ मैं और इसके साइड में एक और ग्रास ब्लॉक लगा देते हैं जिसे एंटर कर सके अंदर में। अब वापस से बाहर जाते हैं और इसमें लगाते हैं रेल और माइनकार्ट लगाते हैं और ग्रास ब्लॉक से कवर कर देते हैं। यहाँ पे अभी माइनकार्ट देख रहे, प्लीज मैं एंटर कर सकूं, इसके अंदर एंटर हो जाए और मैं आ गई, यस। तो मेरा तो ये काम कर गया है, यहाँ से मैं बाहर भी निकल सक रही हूँ और ये अंदर भी जा सक रही हूँ। तो यस, ये मेरा सीक्रेट बेस ऑलमोस्ट, जो मेरा मेन जो पार्ट है बनने का, वो तो रेडी हो गया। अब ये सीक्रेट बेस को मैं थोड़ी सी रेडी कर देती हूँ, थोड़ा सजा देती हूँ। तो इन सारे स्टोन और डर्ट को मैं तोड़ देती हूँ और थोड़ा सा सीक्रेट बेस को ना मैं बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि ये जो सी लैंटर्न है ना, सी लैंटर्न से ये पूरा का पूरा स्टोन को कवर कर दूं जिससे एकदम मस्त सुंदर लाइटिंग दिखे। तो ये मैंने लिया है ग्लो फ्रेम और इसको यहाँ लगा के इसके ऊपर मैंने डायमंड के ब्लॉक लगा दिए, दो आर्मर लगा देती हूँ और इसके ऊपर मैं ये सारी डायमंड्स के आर्मर मैंने उसने पहना दिया है। चेस्ट लगा देते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ सीक्रेट बेस काफी अच्छा सा है। और ऊपर ट्रैप डोर लगा के उस पर भी मैं चेस्ट रखने वाली हूँ, तो ऐसे ट्रैप डोर लगा देते हैं और ये चेस्ट लगा देते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक लैंटर्न लगा देते हैं, तो लोग देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से क्रिएट किया। इस साइड में मैंने चेस्ट और लैंटर्न लगाया, ट्रैप डोर लगाया और पीछे में भी मैंने दो डायमंड वाले आर्मर के मिरर रेडी हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा सीक्रेट बेस तो रेडी है गाइस। देखते हैं कि आयुष ढूंढ पाएगा कि नहीं। यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये आ गए बाहर, और ये मैंने ना बाहर में बोन मील से थोड़े से ना कवर कर दिए कि जिससे आयुष को ना पता ना चले, दिखे नहीं, तो इसलिए मैंने बोन मील से सारे के सारे प्लांट्स उगा दिए। तो चलो देखते हैं आयुष को कैसा लगता है। आयुष क्या तूने बना लिया अपना सीक्रेट बेस?
मेरा हिडन बेस भाई इतना गजब तरीके से हिडन है कि तुमको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो इतना सिंपली हिडन है कि तुम्हें पता चल जाना चाहिए, लेकिन मेरे को पता तुम्हारे दिमाग के लेवल के हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग से ज्यादा मेरा दिमाग तेज है तो तुम ही हारोगे, ठीक है ना? तो आजा पहले ना अपन फाइट करते हैं बेबलेट का, कि देखते हैं कौन सबसे पहले किसका ढूंढेगा। ओके यस, हम लोग पहले बेबलेट से डिसाइड करेंगे कि कौन पहले किसका सीक्रेट हाउस ढूंढता है। ओके, तो ऑफ थ्री तुम भी बेबलेट फेंकना, मैं भी बेबलेट फेंकूंगा, जिसका बेबलेट लॉन्ग लास्टिंग तक चलता रहेगा वो जीतेगा। ओके 1 2 3 हम लोग अब बेबलेट यहाँ पे रन कर रहा है, गाइस लेट्स गो, देखते हैं कौन जीतेगा। मेरा बेबलेट जीतेगा यार, मेरा बेबलेट जीत जा। ओह माय गॉड, भाई चल चल, मेरे बेबलेट, मेरा ब्लू बेबलेट, मेरा बेबलेट चल रहा है, चल रहा है, तब जा। अरे मार, अरे 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 अरे, देख यार मेरे को थोड़ा एडवांटेज मिल। यकीन नहीं किया था, मैं सोच रहा था मैं हारने वाला हूँ, लेकिन मेरा बेबलेट एंड तक टिका रहा, लड़ता रहा वो इस लड़की से। बिल्कुल सही गाइस, हम लोग जीत गए हैं। तो पहले दीदी मेरा घर ढूंढेगी। ओके ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, तो तुम ये तो बता दो कि कहाँ पे बनाया तुमने। यस, तो चलो अभी हम लोग सुपरमैन की तरह पहले उड़ते हैं। आ जाइए मेरे वाले बेस के साइड में आइए। ओके, मैं तुम्हें एक थोड़ा बड़ा इलाका बताता हूँ ताकि। बड़ा इलाका मत बताओ यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना तो तुम कुछ भी हिडन बेस बनाओगे ऐसे थोड़ी ना बता दूंगा भाई, तो तुम्हें ढूंढना तो पड़ेगा ना। तुम्हें ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ से लेके ये देखो मेरी तरफ, यहाँ से ये जो पूरा ब्लू का जो पार्टीशन है, इसके ग्रीनरी के अंदर में तुम ढूंढ सकती हो। अच्छा, यहाँ इस पे, एरिया में। ये तो तुमने बहुत ही शॉर्ट कर दिया यार, इससे ज्यादा तुम्हें क्या ही बताऊं। इस ग्रीनरी में तुम्हें ढूंढना है, काफी इजी कर दिया तुमने, इतना बड़ा एरिया मुझे बता दिया है और वो भी खाली सा। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे छुपाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, ओ यहाँ इसके अंदर में तो नहीं छुपा दिया, आई इसके अंदर में छुपाया क्या तुमने? ओ भाई ये तो पहले ही अंडरग्राउंड, मेरे को क्या पता, वो तुमको ढूंढना है, अंडरग्राउंड जा रही हो पहले। यो क्या यहाँ पे कुछ है, मुझे लग रहा है आयुष ने कुछ बोला है, देखती हूँ यहाँ। क्या देख लिया तूने? यहाँ कुछ है क्या? मैंने बोला ना तोड़ना फोड़ना नहीं है, बाहर में मिल जाएगा, सिंपल रूल था ना हमारा। अच्छा तोड़ना नहीं है, ओके ठीक है। नहीं कुछ भी तोड़ना नहीं है, कुछ भी लगाना नहीं है, तो वो इतना सिंपल है कि आराम से ही तुम्हें मिल जाएगा। कहीं पे लीवर लगा दिया है, इतना सिंपल लग रहा है तो लीवर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम्हारा तो दिमाग ज्यादा तेज है ही नहीं, इसलिए मैं। ओ यहाँ पे ये क्यों पंपकिन पड़ा है, पंपकिन के आजू बाजू तो नहीं है कहीं, यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, क्या करे यहाँ। कुछ भी चीज को तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, तुमने एक पंपकिन फोड़ा है, मुझे क्या पता। मैंने एरिया तुम्हें बता दिया है कि यहाँ तुम्हें ढूंढना है, तो यहाँ बीच में ये पार्टीशन यहाँ तक है, ये देखो यहाँ तक ये पार्टीशन है, तो इस लाइन के यहाँ यहाँ तक रहा है। अरे डूब के मत मर जाना, एक ही बहन थी वो भी बाय बाय बोल देगी। सैंड के अंदर अगर कुछ हुआ क्यों, क्योंकि सैंड के अंदर में ऐसे जा सकते हैं ना अंदर में, तो सैंड में कहीं पे कुछ है क्या? यहाँ पे तो कुछ अंदर जा ही नहीं रही होगी। ना ना, ओ वहाँ पे एक ट्री दिख रहा है मुझे। ओहो, ट्री के पास में वीट कैसे उग रहा है आयुष? ये ट्री के पास में वीट, तुमने कभी देखा है ट्री के पास वीट उगते हुए? व्हाट द हेल, ट्री के पास में ट्री तो कहाँ उगेगा? ये ट्री के पास में वीट कैसे उगेगा? तुम पहली बार माइनक्राफ्ट खेल रही हो, तुम एक नंबर माइनक्राफ्ट नूबड़ी। तुम्हें नहीं पता नूब, मैं तो नहीं। एक बात बता, आप लोग सब गाइस कमेंट करके बताना कि ट्री के पास में कौन ऐसे वीट लगाता है, बताओ। अरे भाई हरियाली के पास ही हरियाली उगता है, तुम्हें क्या पता जो पैदा हुई है। मुझे ट्री के नीचे कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, मुझे यहाँ पे खाद दिखाई दे रही है। आयुष अब मुझे तो समझ में आ गया, ये जो इजी है ना, तूने ये ऐसा वीट लगा के मुझे और बता दिया कि हाँ भाई यही पे देख ले। ओके मुझे यहाँ पे ही कुछ दिख रहा है, अब रुको मैं दबाती हूँ इसे। कौन सा वाह वाह वाह, क्या बना है आयुष, तूने मस्त था। ओह माय गॉड यार, ये कम निकली। मुझे मिल गया सीक्रेट बेस। अरे यार ये क्या कितना सिंपल बनाया आयुष, सबसे पहली बात तो तेरी गलती थी कि वहाँ पे तूने वीट लगा दिया, तो मुझे पता चल गया। मेरे को लगा कि तू नूबड़ी है, तेरे को पता नहीं चलेगा कुछ भी। तो आयुष मैं तो जीत गई हूँ, चलो अभी यहाँ पे बल लिखो,
तुम्हारे हो ना तो यहाँ पे वन लिख दो। ठीक है ना, लेकर ठीक है। और ना मेरे पटाखे भी फोड़ लेना, ठीक है। चला लो बोल लो बोल लो, अभी मैं भी जीतेगा ना तो देखते हैं फिर। रुको, तो नहीं जीतने वाले, तुम्हारा यहाँ पे जीरो ही रहेगा। तो गाइस मैं तो जीत गई और मुझे यहाँ पे मिल गया है 1 पॉइंट और आयुष को मिला है 0 पॉइंट। आयुष तो तुम्हें कैसा लग रहा है ये बताओ? बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मेरे को। मुझे तो पता है ये तो तुम्हें बुरा लगेगा। ओके तो मैं तो पोज देने वाली हूँ, चल फटाका फोड़ मेरे लिए आयुष। लेट्स गो। ओह माय गॉड, हैप्पी। वाह, अब आयुष तुम्हारे लिए भी ऐसा फटाका फूटेगा, मुझे नहीं लगता है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैं चाहता था ये चीज मेरे लिए हो, लेकिन दीदी को पहला पॉइंट मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी अभी मेरी बारी है, मैं दीदी का सीक्रेट हाउस ढूंढ के दिखा देगा। लेट्स गो दी। हाँ चलो, हारने के लिए रेडी हो जाओ, मेरा सीक्रेट बेस वहाँ पे आ जा। ओके चलो, अब हम लोग दीदी का ढूंढेंगे। दीदी ने तो मेरा ढूंढ लिया यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, इसको भी माइनक्राफ्ट आता है, इससे ये बात पता चल जाती है। अभी हम लोग भी दीदी का ढूंढ के दिखा देंगे, दिखा देंगे, तो चिंता ना कर। सुन, तेरे से ज्यादा अच्छे से आती है मेरे को माइनक्राफ्ट। अब चल तू जा हिडन बेस ढूंढ, मैं तेरे को बता देती हूँ। इस एरिया से लेके इस एरिया से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पूरा ग्रीन एरिया है। ओके 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 ओके। अच्छा तुम्हारा भी कुछ तोड़ फोड़ना है, तुम्हारा भी, तुमने भी सिंपल रूल फॉलो किया है ना? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ओके लेट्स गो। दीदी का घर ढूंढेंगे हम। यहाँ पे मट्टी मट्टी मेरे जैसा ही बेस बनाया है क्या इसने? नहीं, यहाँ पर है खड्डा, यहाँ पर है पानी। पानी के नीचे तो नहीं है नानी, तो हमें बाहर आ जाना हो सकता है। पानी के अंदर हो, देख लेना। ओ पानी अंदर हो सकता है। ओके तो हमें पहला हिंट मिल गया, और हमें कुछ तोड़ फोड़ तो करना नहीं है। तो अभी हम यहाँ से भी, ओ माय गॉड, मुझे तो अंदर जाने का रास्ता मिलता जा रहा है। ये ढूंढ नहीं पाएगा, मुझे अच्छे से पता है। मैं इतना अंदर घुस गया हूँ पानी के। अरे नहीं है, नहीं है, बाहर आ जा, बाहर आ जा, ऐसे ही बोल रही हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो लगता है दूसरे डायमेंशन से बाहर निकलने वाला हूँ। नहीं नहीं, आजा आजा बाहर। रुको 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 रुको, मैं आ गया हूँ। मैं बता रही हूँ एकदम बेसिक एंड सिंपल है, और तेरा जो बेस बनाया है ना एकदम छोटू सा, उससे तो बहुत। ये देखो मैं पानी से यहाँ से निकला हूँ, यही था तेरा बेस, मैं जानता हूँ यही था तेरा बेस। तेरा बेस ये तू अंडरग्राउंड में रहना चाहती है, तू तेरा बेस ऐसा ही है। तेरा मैं समझ बेस गया। से मैंने बहुत ज्यादा सुंदर बेस भी बनाया, पता तूने क्या लगाया? एक से बैड सा लगा दिया, मेरा बेस देखना। अच्छा यस, देखते हैं भाई। उसको बोलते हैं तेरा भी यहाँ पे पेड़ है, लेकिन ठीक है। हाँ हाँ देख ले, ठीक है। पेड़ के आगे बीट तो नहीं उग रहा है तेरा। यहाँ पर अंडा है, यहाँ पर अंडा, अंडा, अंडे के अंदर है तेरा सीक्रेट हाउस। तेरा भरोसा भी नहीं है, तो अंडा मारने लायक ही है। ये देख चिकन भी निकल गया। ओह माय गॉड, आई उस साइड नहीं जाना है, इधर आ नहीं जाना है, इस साइड, इस साइड में। ओके अब इतना तो मेरे को तो समझ में, कहीं फूलों के अंदर में तो नहीं छुपा दिया छोटा सा घर? बाद में डायलॉग मार की मैं तो खुशबू में रहती हूँ गाइस, ये बोल के ना ऐसा घर तो नहीं बनाया तुमने कहीं? ऐसा कुछ नहीं बनाया मैंने, एकदम गजब का सीक्रेट बेस बनाया। तुम्हारी तरह से वीट नहीं लगा दिया बाहर? अच्छा वीट वीट, अभी ना तुमको रुको, सेकंड वाला हाउस में मैं दिखाऊंगा, अभी वीट वीट बेसी हो रहा है ना। ठीक है, मुझे घर ढूंढने दे तेरा। यहाँ पर यार खड्डे खड्डे हैं हर जगह, एक एक खड्डा क्यों है? यहाँ पर एक खड्डा, वहाँ पर एक खड्डा, ऐसे खड्डे कर करके तुमने मेरे को जॉइंट लेग से मेरे को डराया था। ठीक है चल, तेरे को थोड़ी सी और हिंट दे देती हूँ, इधर आ। ओके मुझे हिंट की सख्त जरूरत है। हाँ, तो धन्यवाद। ये फ्लावर वाली एरिया है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ जहाँ फ्लावर्स है, तो वहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें, देख लो। ओ भाई मुझे लगा ही था इसने खुशबुओं में घर बनाया है। yes. ये भी थोड़ी देर में डायलॉग मारेगी। गाइस मैं तो एक मधुर लड़की हूँ, मैं तो खुशबुओं में रहती हूँ। कुछ भी बोलता है यार ये, क्या भाई है मेरे, क्या मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ भाई। आज से दिखाएगा तेरे को, रुको। ओ ओ ओ यहाँ पर माइनक्राफ्ट है, यहाँ पर माइनक्राफ्ट है, यहाँ पर माइनक्राफ्ट है। तुम्हें देख गया क्या? इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें कैसे मिल गया? मैंने तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया था तुम पे कि तुम्हें मिल जाएगा, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। तुम्हारा मतलब इतना कोल्ड रिएक्शन, ठीक है भाई चलते हैं। चलो चलो ओके चलो, यहाँ से तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ अंदर में यार। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही नहीं, यही नहीं, इसलिए
ये है ही नहीं तो ये है क्यों फिर? ये मैं जा नहीं पा रहा हूं। ऐसे ही बना दिया प्रैंक के लिए, ये नहीं है। अच्छा मुझे लगता है, रुको ये ऐसा ही, ये इससे गलती से रह गया होगा। अच्छा ये तो बगल में एक और मिट्टी, ये रहा ये कौन है यहाँ पे? अरे ये नहीं है। रुको रुको इसमें मैं जा पाएगा शायद, क्योंकि ये बगल में, हाँ मैं अंदर घुस गया। और ये यार इसे मिल गया, मैं आ गया, मैं अंदर आ गया, मैं अंदर। कैसा बनाया मैंने? हाँ जो तुमने मेरे से डायमंड चुराए थे वो सारे के सारे तुमने यहाँ लगा दिए, मैं समझ सकता हूँ। डायमंड चुराया, छोड़ दो तुम। Oh my God. अच्छा है ना? अरे सही लग रहा है, लेकिन ये बस तुमने मिट्टी विट्टी किया, मेरा वैसे बहुत सुंदर और आलीशान था। बैठ था तुम्हारा, अभी डायमंड लगा देने से सुंदर नहीं हो जाता है सीक्रेट बेस। ओह माय गॉड, मैंने तो सुंदर डेकोरेशन किया, ये सब के अंदर सामान भी है, देखो तुम लेना चाहते हो तो ले लो। हाँ वो तो ठीक है, क्रिएटिव का नाजायज फायदा उठाया तुमने। तो तुम पता है यहाँ से क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्योंकि ये निकलने का रास्ता है, अभी इसमें आ जाओ। अच्छा जाने और आने का रास्ता अलग अलग है। ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझा। हाँ बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, सीख रही हो तुम, सीख रही हो, मेरी बहन हो, आगे सीख जाओगी धीरे धीरे, चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। चलो तद्दी मैं जीत गया, फाइनली मुझे पता था यहाँ पर तेरा वन, अब मेरा भी यहाँ पे वन आएगा। फटाफट से वन लिख, ऐसे मुंडे मत देखो, जाओ जाओ नौकर वहाँ पे वन लिखो, मैं यहाँ पे पोस्ट देगा आराम से। हाँ तो वो मैटर नहीं करता, ये वाला ज्यादा मैटर करता। हाँ अच्छे से लिखना है नौकर, अच्छे से क्या नौकर थोड़ा 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 साफ तरीके से करो। ओहो फाइनली यहाँ पे वन वन हो चुका है, मैं पीछे रह नहीं सकता, अब मेरे लिए फटाका फूटेगा। दी फोड़ो फोड़ो, यो मेरे नौकर झुक के फटा दिया। मुझे बुरा लग रहा है, बट ये लो तुमने ढूंढ लिया इसलिए मैं फटाके फोड़ दे ही रही हूँ। यस गाइस यस, दोनों का स्कोर हो गया 1-1। तो अभी चलो हम लोग दूसरा वाला हाउस बनाने चलते हैं, तुम जाओ उस तरफ, मैं जाती इस तरफ, हम लोग देखती कौन अच्छा बनाती। लेट्स गो हबीबी, लेट्स गो। मैंने सोचा नहीं था कि ये आयुष है ना पहला वाला बेस मेरा बता देगा, मुझे ना उसे हिंट ही नहीं देना चाहिए था, तभी उसके लिए इजी हो गया। अब ये वाला जो बेस है ना, ये तो आयुष कभी भी नहीं ढूंढ सकेगा, इतना तो मुझे गारंटी है। रुको रुको रुको, तो गाइस लगी ना ये वीडियो बहुत मजेदार, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है ना और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। और ये जो हिडन बेस आयुष ने बनाया है आप लोग उसके चैनल में जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। और मैंने भी कैसे आयुष को प्रैंक किया है जाइंट एलेक्स बन के, और उसने मेरे से बदला लेके मुझे ग्रैनी के हाउस में जो किडनैप किया है ना, उसके वीडियोस भी आप लोग देख लेना। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके कमेंट कर दो गाइज कि कैसे लग रही है वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।